मैंने सुना है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि अपनी आइडेंटिटी को वहां पर छुपा लेते हैं, जब वो अपने आप को इंडियन बता देते हैं कि जब उनको पूछा जाता है या पकड़ा जाता है, वो कहते हैं कि नहीं जी, हम तो पाकिस्तानी है ही नहीं, हम तो इंडियन है। ये नौबत आ गई है कि हम पाकिस्तानियों को वहां पर अपनी आइडेंटिटी जो है वो हाइड करना पड़ रही है। मैं तो काफी अरसे से, अगर कोई पूछता भी है मुझे, मैं तो इंडियन ही बोलती हूँ, क्योंकि अब मैं पाकिस्तानी बोलूँ, इतनी मेहनत करी है, मैं पाकिस्तानी बोलूँ सारी मेहनत पे पानी उस पे हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली ये एक बुरा फ्रेज है। पाकी कहने का जो एक मगरबी दुनिया में एक रुझान है, ये निकला बुनियादी तौर पर इंग्लैंड से, लफ्ज़ पाकिस्तानियों से था, क्योंकि पाकिस्तानी जो मुसलमान है, ये जो इस्लामिस्ट टेररिज्म के हवाले से इनके नाम बहुत आगे आते हैं। हमारा साथ बैठा मुल्क, हमारा हमसाया, हमारा पड़ोसी, वो इस तरह की रिपोर्ट्स का बड़े पैमाने पर मजाक उड़ा रहा है। एक तो कहते हैं ना कि हम पहले ही मरे हुए हैं। तो वो ना क्रिश्चियन जो है, वो जो राइट विंगर, उन्होंने ये महसूस किया कि हमारी जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, ये सारी जो फ्रीडम्स हैं, ये जो मॉडर्न वे ऑफ लाइफ है, और हमारी जो मॉडर्न वैल्यूज हैं, जो सेकुलर हैं, जो लिबरल हैं, वो थ्रेटन होती चली जा रही हैं मुसलमानों के हाथों। कि जो हम देख रहे हैं कि किस तरह ब्रिटेन नीचे की तरफ जा रहा है, और मॉब्स और गुंडागर्दी और बदमाशियां जो हैं उनकी बढ़ती चली जा रही हैं मोमनों की, और उनको कोई रोकने वाला नहीं है। तो इस वजह से नीचे से जमीनी सतह के ऊपर एक मूवमेंट उठ रही है, जिनको वो ब्रिटिश पेट्रियट्स बोल रहे हैं। तो ये जो है, इन्होंने हुआ ये कि उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता, ये दोनों का अब क्लैश बढ़ता जा रहा है। मुसलमान वो सारे कार्ड अपने खेल रहे हैं, मसूमियत के, मजलूमियत के, इस्लाम फोबो के, ठीक है। ये खुद तो सबको काफर कह सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। दोस्तों, दुनिया का कोई भी कोना हो, और अगर किसी व्यक्ति को वहां से लात मार के निकाला जा रहा हो, तो उसकी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो पाकिस्तानी होगा। आजकल पाकिस्तानियों का पूरी दुनिया में यही हाल है, जहां देखो वहां से लात मार कर निकाले जा रहे हैं। और कारण क्या है? इनके कर्म। ये जहाँ भी होते हैं वहाँ गंद फैलाते हैं, वहाँ के लोगों को परेशान करेंगे, वहाँ अपना जिहाद फैलाने की कोशिश करेंगे, चोरी करेंगे, औरतों को परेशान करेंगे, वहाँ से लूटपाट करने की कोशिश करेंगे, जो कि ये पाकिस्तान में करते रहते हैं। इनकी तालीम ही शुरू से कह सकते हैं आप कि इनकी ट्रेनिंग ही उसी में दी जाती है इनको, कि आप जाइए जिहाद करिए, लूटपाट करिए। जाहिल होते भी हैं, इनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब होता नहीं, दूर दूर तक इनका एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं होता। तो जहाँ जाते हैं अपनी जहालत का ये परिचय देते हैं, और सभी सोसाइटी इनको जो है लात मार के भगा देती है। इसको देख करके पाकिस्तान मीडिया रोता है। तो चलिए देखते हैं कि जाहिल पाकिस्तान मीडिया और क्या कहता है। वेस्टर्न राइट विंग था, उसको आप क्रिश्चियन राइट विंग भी कह सकते हैं। ओरिजिनल जाहिर है कि ओरिजिनल राइट विंग वहां का क्रिश्चियन था। तो वो ना क्रिश्चियन जो है, वो जो राइट विंग, उन्होंने ये महसूस किया कि हमारी जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, ये सारी जो फ्रीडम्स हैं, ये जो मॉडर्न वे ऑफ लाइफ है, और हमारी जो मॉडर्न वैल्यूज हैं, जो सेकुलर हैं, जो लिबरल हैं, वो थ्रेटन होती चली जा रही हैं इनके हाथों, मुसलमानों के हाथों। तो ये जो है, इन्होंने हुआ ये कि उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता, ये दोनों का अब क्लैश बढ़ता जा रहा है। मुसलमान वो सारे कार्ड अपने खेल रहे हैं, मसूमियत के, मजलूमियत के, इस्लाम फोबो के, ठीक है। ये खुद तो सबको काफर कह सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इनको कोई कुछ नहीं कह रहा, मुसलमान मुल्क जो इस्लामी मुल्क थे या मुसलमान थे, उनकी इमिग्रेशन यूरोप में हुई या इंग्लैंड में हुई, ठीक है, हमारे पाकिस्तान से अच्छे हाथ से लोग वहां गए। अच्छा, अब मसला ये हुआ कि जब ये इमिग्रेशन हो रही थी, तो उस वक्त उन लोगों ने ये ना सोचा कि क्या ये लोग जो हैं हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में एडजस्ट भी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, ये इंटेग्रेट भी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते।
ये जो उनकी जो वैल्यूज हैं, जिसको आज वो ब्रिटिश वैल्यूज कहती हैं, वेस्टर्न वैल्यूज कह रही हैं, तो ये मुसलमान जो हैं, खास तौर पे मुसलमान स्पेसिफिकली, कि ये उनको कबूल भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो हुआ ये है कि ओवर द ईयर्स ये पूरे यूरोप में और पूरे वेस्टर्न स्फीयर में ये एक क्लैश एक जो था ओरिजिनल वेस्टर्न्स का और ये इमिग्रेंट्स का ये बढ़ता चला गया। हमारे लोगों ने क्या किया कि इन्होंने वहां पे एक, आप यूं कह लें कि एक अपनी बस्तियां बसा ली। बड़े बड़े शहर हैं, मसलन बर्तानिया के आपने सुने होंगे, मैनचेस्टर है, बर्मिंगम है, इवन लंदन भी है, ब्रेडफोर्ड है, पता नहीं क्या, ये सारे के सारे आज ऐसे आपको लगता है वहां पे जाए तो लगता है या इंडियन पाकिस्तानी मुसलमानों का ये है, बंगालियों के ये इलाके हैं, ठीक है। तो वो अब बंदा हैरान हो जाता है कि ये जो बहुत बड़े शहर हैं ब्रिटिश सिटीज, इनको हो क्या गया है और जो असल बरतानिया वो किधर गया है, वो कहाँ गया है। तो ये हुआ ये कि इन लोगों ने ऐसे अपनी आहिस्ता आहिस्ता अपनी बस्तियां भी बसाई, इन्होंने जरूरत से ज्यादा मस्जिदें बनानी शुरू कर दी, मदरसे बनाने शुरू कर दिए इन्होंने। मस्जिदें वहां एक बहुत बड़ा बिजनेस है, मस्जिद जो है ये प्रॉपर्टी पे कब्जा करने का एक तरीका है। इन्होंने सबने इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता वहां जो थी ना, जहां इनकी ज्यादा आबादियां थी हुई, दो चार मोहल्ले अपने हो गए, इलाके हो गए, तो वो बेचारे गोरे होते हैं और ये गंद उसी तरह जैसे पाकिस्तान इंडिया में जैसे माहौल होता है ना, माशाल्लाह सारे कचरा गिरा हुआ है, रैपर है, शॉपिंग बैग्स गिरे हुए हैं, वहां भी आपको वैसे ही मिलेगा। अमेरिका में भी मैंने देखा है, मैंने यूरोप में भी और इंग्लैंड में भी उनके शहरों में यही हाल देखा है। तो ये उसी तरह के इन्होंने कपड़े पहने होते हैं, उसी तरह की दुकानें होती हैं जैसे हमारे यहाँ की दुकानें होती हैं, हालांकि उनके बाजार अगर इंग्लिश बाजारों में जाएं तो वो क्वाइट बिल्कुल डिफरेंट उनकी शेप शक्ल होती है। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने वहां पे इस तरह की हरकतें शुरू कर दी हैं, साथ ही ये कह दिया कि मसलन अगर जहां इनकी ज्यादा आबादी जिस बाजार में मार्केट में होगी है, तो इन्होंने कहा यहाँ तो पोर्क की दुकान नहीं हो सकती, ठीक है, यहाँ तो जो है कोई पब नहीं हो सकता। अब ये तो उनका मतलब है इंग्लिश वेस्टर्न कल्चर है ये तो उनका, तो ये तो यहाँ पे नहीं हो सकता। फिर इन्होंने आपने शायद ये सोशल मीडिया पे देखा भी हो कि श्रिया फॉर यूके के पोस्ट कार्ड इन्होंने उठा के मुजाहरे करते हैं, ठीक है। तो ये क्लैश बढ़ता चला गया। तो हुआ ये है कि इन्होंने खुद को अपने आप को मुसलमानों ने, आपको पता है कि दो काम तो इनके बड़े खास होते हैं अपने आप को अपने सर्वाइवल के लिए, एक तो ये करते हैं कि ये फौरन मासूम और मजलूम बन जाते हैं, कि जो हम देख रहे हैं कि किस तरह ब्रिटेन नीचे की तरफ जा रहा है और मॉब्स और गुंडागर्दी और बदमाशियां जो हैं उनकी बढ़ती चली जा रही हैं मोमनों की, और उनको कोई रोकने वाला नहीं है। जो लेबर गवर्नमेंट आई है वो तो पहले ही बड़ा अपीज करती है उनको। कंजर्वेटिव ने कहा था कि हम थोड़ी सख्ती करेंगे, लेकिन वो इलेक्शन हार गए क्योंकि उन्होंने पिछले 14 सालों में कुछ नहीं किया था। तो इस वजह से नीचे से जमीनी सतह के ऊपर एक मूवमेंट उठ रही है जिनको वो ब्रिटिश पेट्रियट्स बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहले हमारे लिए ब्रिटिश वैल्यूज फर्स्ट है, अगर आपने जो भी जिसने भी आना है ब्रिटेन में आके रह सकता है, जो कि असूल है अमेरिका कनाडा जिधर मर्जी जाओ, लेकिन जो प्राइमरी वैल्यूज है वो उस मुल्क का नेटिव कल्चर जो है वही होगा। वो नेटिव कल्चर यही है कि हम ब्लास्फेमी भी कर सकते हैं, हमें मजहबी आजादी भी है, और आपने अपने मजहब को या अपने कल्चर को जिस तरह भी सेलिब्रेट करना है वो करें, लेकिन जब उसका क्लैश होगा प्राइमरी ब्रिटिश वैल्यूज के साथ तो वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मल्टीकल्चरलिज्म का जो एक आइडिया था वो बड़ा अच्छा आइडिया है और उससे वेस्टर्न लोगों को फायदा भी बढ़ा हुआ। बड़े बड़े चाइनीज स्कॉलर्स वहां पे गए, पीएचडी की, बहुत सारे इंडियंस लोग गए, बहुत सारे पाकिस्तानी गए, बहुत सारे डॉक्टर्स इंजीनियर्स जाते हैं कंट्रोल्ड माइग्रेशन के थ्रू। लेकिन एक जो लेबर तबका साथ साथ गया, वो उम्मीद उनको ये थी कि एक दो जनरेशन बाद वो भी हमारे रंग में ढल जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उन्होंने समझा कि इस्लाम भी वैसा ही है जैसे बाकी के मजाहिब हैं, बुद्धिज्म या हिंदुइज्म या क्रिश्चियनिटी या यहूदियत, ये सारे मजहब जो है वो सारे वाटर डाउन हो गए, लेकिन ये वाहिद मजहब है जो मजीद सख्त
हो गया, इन्होंने वहां पे जाके गेटोज बनाए और अपने एरियाज में रहते हैं और इनको अंग्रेजी तो बोल लेते हैं ब्रिटिश एक्सेंट में, लेकिन उनके गेटो से बाहर क्या हो रहा है उनको उसकी कोई खबर नहीं। और इसीलिए जो भी वाकया हुआ मैनचेस्टर में भी कि पुलिस वालों को इन्होंने फेंटी लगा दी, फिर उन्होंने पकड़ के इनको लटाया नीचे तो ये पागल हो गए। तो ये लोग 7-8% ब्रिटेन की पॉपुलेशन का हिस्सा बन गए हैं, लेकिन आए दिन कोई ना कोई फटा करते रहते हैं। अभी लीड्स का जो वाकया हुआ सिर्फ उसके अंदर जिप्सीज थे, वरना सारे आपको और किसी की कोई खबर नहीं मिलती, इवन जिप्सियों की भी कोई खबर नहीं मिलती। कोई पहला वाकया हुआ पिछले कोई 20 सालों में और उसके अंदर भी आपके मोमिनीन शामिल हो गए, उसके अंदर भी इन्होंने बीच में फायदा उठाया कि हाँ भी चलो जी हम भी जरा नारे नूरे लगाए अल्लाह अकबर। दोस्तों पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है, कहां से आते हैं ऐसे लोग, ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं है किसी और गोले से आए हैं, कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।